কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তেলিয়ামুড়া সফরকে কেন্দ্র করে উৎসাহ সামজনতার মধ্যে। শনিবার তেলিয়ামুড়া সফরে এলেন ভারত সরকারের দক্ষতা বিষয়ক সহ অন্যান্য বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। এই সফরের অঙ্গ হিসেবে শনিবার এক গুচ্ছ কর্মসূচি সম্পাদন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। শনিবার পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী 100 বিশাল বাইক র্যালির মাধ্যমে তেলিয়ামুড়া মূল প্রবেশদ্বার বলে পরিচিত হাওয়াই বাড়ি এলাকা থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে তেলিয়ামুড়ার ডাক বাংলাতে নিয়ে আসা হয় স্থানীয় বিধায়িকার উপস্থিতিতে। সেখান থেকে এক তিরঙ্গা র্যালির মাধ্যমে তেলিয়ামুড়া বাজারে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেশের জাতীয় পতাকা বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। ज्यादा से ज्यादा स्किलिंग यहाँ पे हमारे युवाओं को उनके अपॉर्चुनिटी प्रदान करें। सर आप यहाँ पर आए, सफर किया है, देखा है, आने वाले चुनाव में आपका सफर ये कोई मायने रखते थे? मैडम आने वाले चुनाव में कोई मायने रखते आपका ये सफर? नहीं, मेरा देखिए हर विजिट को आप चुनाव या पॉलिटिक्स के प्रिज्म से मत देखिए। हमारा यह, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री का कहना है कि डेवलपमेंट एक परमानेंट प्रोसेस है और हमें रोज काम करना है डेवलपमेंट में और लोगों को भलाई के लिए। सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं, ये कोई इलेक्शन का मोटो नहीं है, इलेक्शन का लोगो नहीं है। ये हम अपना कर्तव्य मानते हैं कि लोगों को भलाई देना, लोगों के लाइफ में बदलाव लाना भाजपा का यही तो एक मूल सिद्धांत है। और हमारा जो पार्टी विद डिफरेंस जो हमें कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम हर चीज पॉलिटिक्स के नजर से नहीं देखते। हम प्रधानमंत्री मोदी जी कह चुके हैं कि ये हमारा एक कर्तव्य बनता है कि लोग जो सालों से डेवलपमेंट के जो मॉडल से पिछड़े हुए थे, जिनको बहुत सालों से इग्नोर किया गया था, वोट बैंक ही ट्रीट गए थे, कि हमें उनको जल्द से जल्द मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के रास्ते में पहुंचाना है, उनको कनेक्ट करना है और हमें मेहनत बहुत मेहनत करना है। तो आप इसको इलेक्टोरल या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से मत देखिए। इलेक्टोरल रिजल्ट्स और पॉलिटिकल रिजल्ट्स हमें लोग इसीलिए देते हैं क्योंकि वो हमसे, हमारे काम से, हमारे नेता से, हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं और वो अपना जो आने वाले दिनों में वो अपने लिए जो बदलाव चाहते हैं वो जानते हैं कि भाजपा का सरकार ही उस बदलाव को दिला सकता है।